चल स्टार्ट। थर्टी सेकेंड हुआ, जल्दी कर। अरे लॉकडाउन से पहले इतना अब नहीं आएगा। दो सेकेंड बताओ। एक मिनट खत्म होने को आया। पटाखे कर, पटाखे कर, पटाखे कर, पटाखे कर, पटाखे कर, पटाखे कर। हो गया क्या? एक ग्रीन बाकी है, बाकी है अभी। एक मिनट सात सेकंड। क्या हो गया तेरे को? अरे लॉकडाउन से पहले करता था, अभी नहीं, अभी थोड़ा स्लो हो गया। कितना मिनट में? डेढ़ मिनट में किया है तूने। एक मिनट तीस सेकेंड वही लॉकडाउन से पहले। तीस सेकेंड? अच्छा, लॉकडाउन से पहले 30 सेकंड। अच्छा सही में 13 टाइप्स ऑफ क्यूब्स आते हैं मेरे। हाँ, दूसरा वाला सॉल्व कर। स्टार्ट। ये दया का तो देख कैसे बोलती है। दो मिनट हो गए, दो मिनट में तूने एक क्यूब वो और एक क्यूब ये। एक ही बात। ठीक है, चार बजे उठा दूंगी। कैसे बोलती है? एक मिनट। मैं क्यों एक मिनट? तेरा चालू है टाइमर। अरे यार आप शांत रहो प्लीज। हो गया दो क्यूब सॉल्व। कैसा लग रहा है सॉल्व करके? हाँ। कितने मिनट में? ढाई मिनट में तूने दो किया। कितना लेट हो गया अभी तू? पहले एक मिनट में दो होता था तेरा। 30 सेकंड में एक होता था। हाँ तो एक मिनट में हुआ ना दो। तो हेलो, फाइनली क्यूब वगैरह सॉल्व करके ये लोग निकल गए। ये लोग एक्चुअली मेरे ननंद के घर पे गए, बड़ी ननंद के आज है भाऊदूज, तो वहाँ पे भाऊदूज मनाने गए और मैं यहाँ केक बनाने वाली हूँ। तो चलिए पहले सब सामान निकाल लेते हैं। पहले मैं आज कढ़ाई में बेक करने वाली हूँ, तो कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रख देती हूँ। बहुत सारी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो चेक कर लेना। चलिए, और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने नमक डाल दिया, ये रीयूज है, मैं काफ़ी टाइम से ये नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में रिंग डाल दूँगी, और उससे हाइट का मैंने भगोना लिया है। मतलब क्या आप लोग भगोना बोलते क्या बोलते हैं, उससे मैंने ढक दिया है। और आप भी ऐसे ही करें कि हाइट वाला ले, ताकि हीट उसको केक को पूरा अच्छे से मिले। और साथ ही मैं यहाँ पे टीन को मैं ग्रीस करके बटर पेपर लगा दूँगी, और साइड में। ये सारी तैयारी आपको केक बैटर बनाने से पहले कर लेना है, क्योंकि केक बैटर बनाने के बाद आप ज़्यादा रेस्ट नहीं दे सकते बैटर को, तो इसीलिए ये सारी तैयारियां आपको करके रखनी है। तो यहीं पे मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने कितनी बार शेयर की हुई है। एक दो केक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना। तो यहाँ पे आज दो कप के रेशो से मैं बनाऊंगी, बाकी मैं जैसे बनाती हूँ मैं वैसे बता रही हूँ, बाकी और कौन कैसे बनाता है वो मुझे नहीं पता, बट मैं जैसे बना रही हूँ। और मैंने कोई प्रोफेशनल क्लास वगैरह मैंने नहीं किया है, मैं ऐसे ही देखते देखते सीख गई हूँ। तो यहाँ पे 1/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है, साथ में बटर डाल दिया है 2 टेबल स्पून, और बटर रूम टेम्परेचर, अच्छा जो भी सामान आप लो तो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा गर्म, गर्म किया हुआ दूध ये सब नहीं लेना है, एकदम रूम टेम्परेचर होना चाहिए सब चीज़। और 1 टीस्पून
वनीला एसेंस डाल दिया है, हाफ कप मैंने शुगर डाला है। मैंने शुगर इसलिए कम डाला है क्योंकि इस पे जाएगा जो ट्रॉपिक लाइट क्रीम होता है वो मीठा रहता है, और साथ में मैं शुगर की चाशनी लगाने वाली हूँ तो वो भी मीठा रहता है, तो इसीलिए केक में थोड़ा आप कम डालें। और हाफ कप मैंने दही डाल दिया है, अगर आपको दही नहीं डालना है तो हाफ कप कंडेंस मिल्क आप डाल सकते हो, तब चीनी की मात्रा आपको कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके ले लूँगी, और ये बाउल मैंने अमेजोन से मंगाया है तो लिंक मिलेगा तो मैं ज़रूर डाल दूँगी। ये एक्चुअली स्पेशली केक बैटर वगैरह बनाने के लिए ही आता है। साथ में कोको पाउडर 4 टेबलस्पून डालूंगी, ये मेरा लूज़ कोको पाउडर है, हर्शीज़ वाला ख़त्म हो चुका है तो ये लूज़ वाला मैंने बाजू के बेकर से ही लेके आई हूँ नॉर्मल शॉप से, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा है केक का और चॉकलेटी चॉकलेटी फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में 2 कप मैदा, और ये मैदा मैं हमेशा छान के रखती हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं ऑर्डर्स वगैरह लेती हूँ केक के, तो फिर मैं सब छान के और अच्छे से रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा डाल दिया है और इसमें 2 कप दूध जाएगा, तो मैंने मेरा दूध जो है वो रूम टेम्परेचर है, 2 कप में 2 टेबलस्पून बच गया था 2 कप में। बैटर जो होना चाहिए वो रिबिन के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे आप एक का ऐसा गिराओ तो रिबिन की जैसी गिरनी चाहिए, धार नहीं छूटनी चाहिए, ऐसे आपका बैटर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 कप मैंने दूध डाल दिया है, 1 कप और मैं लेके आ रही हूँ, और क्या होता है ना कि अकेले सब करो ना तो बहुत घाई घाई हो जाता है, और मुझे आज केक बनाना भी है और साथ में मुझे इसको डेकोरेट भी करना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से 2 कप में 2 टेबलस्पून बच गया था तो मैंने उसे साइड में रख दिया, और बैटर देख सकते हो ऑलमोस्ट रेडी है। और इसमें मैं अभी 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, मैं आपको बता दूं जो मैदे का रेशो रहता है उसी हिसाब से बेकिंग पाउडर मतलब मेजर होता है, तो 1/2 कप का 1/2 टीस्पून होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1.5 टीस्पून विनेगर डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद से थोड़ा सा दूध डाल के मैं और मतलब मिक्स करूँगी ताकि कि जो एक्टिव हो जाए जो सोडा वगैरह हमने डाला है। और ये आपको लास्ट में डालना है, मैदे के साथ में नहीं डालना है। मैं बहुत बार देखती हूँ कि मैदे के साथ में डाल देते हैं वो राइस भी नहीं होता केक, और मैं इसको अच्छे से, आज मेरे को केक को फुलाना नहीं है ज़्यादा तो इसको मैं अच्छे से टैप करके लूँगी। अच्छे से टैप करेंगे ना तो जो अंदर की जालियाँ होती है ना बहुत बारीक बारीक बनेंगी, अगर आप टैप नहीं करोगे ना तो ऐसे खड्डे 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 बनेंगे, इसीलिए 6 से 7 बार आप इसको अच्छे से टैप करना है ताकि ना जो खड्डे खड्डे, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब केक कट करते हैं तो बहुत सारे खड्डे खड्डे दिखते हैं, तो वैसा हमको नहीं चाहिए। बहुत 6-7 बार टैप करेंगे ना तो वो मतलब पूरा अच्छे से लेवल होगा और केक अच्छे से फ्लैट होगा और बहुत ही अच्छा बेक होता है। मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पे रख दिया है मैंने, और ये केक 35 मिनट्स में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया था। ओवर कुक करेंगे ना तो आपका जो केक बेस है ना एकदम ड्राई बनेगा, मतलब उसका पूरा जो मॉइस्चर है ना पूरा ड्राई बनेगा, एकदम सॉफ्ट नहीं बनेगा, और क्रम कोटिंग जो बोलते हैं ना तो उसमें से ना ऐसे छूटने लगते हैं, केक जब आप कट करोगे ना तो ऐसे छूटने लगते हैं। यहाँ पर कुछ सामान मैं जो निकाली थी वो सब रख रही हूँ, इसे सब क्लीन कर दूँगी, और आप देख सकते हो आप लोगों को सिर्फ केक, मैंने हमेशा केक ही दिखाया, मैं केक बना रही हूँ बट क्लीनिंग नहीं दिखाया था, तो आज दिखाती हूँ कि कितना मैस होता है जब कुछ बनाते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स में सब सामान रखा हुआ है कि एक ही जगह पे सब सामान मुझे मिल जाए, तो यहाँ पे मैं सब उठा लेती हूँ उसके बाद से आपको मिलती हूँ।
पे क्लीनिंग वगैरह करके हो गया है, तो अभी डबल बॉयलर के प्रोसेस से मैं चॉकलेट मेल्ट करने वाली हूँ। तो मैंने एक बड़े भगोने में मैंने पानी रख दिया है, साथ ही मैं छोटे वाले में मैं चॉकलेट कट करके डालूंगी। ये डार्क कंपाउंड है, ये जहाँ चॉकलेट बेकिंग का सामान मिलता है सब वहीं पर आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा चॉकलेट लिया क्योंकि मुझे ना थोड़ा डेकोरेट करने के लिए चॉकलेट चाहिए। बट मैंने क्या किया कि इसको रख के और मैं दूसरे काम में लग गई तो किसने ऑयल रिलीज़ कर दिया। अगर चॉकलेट को आप ज़्यादा मतलब गर्म पानी में रखू दोगे ना तो ऑयल छोड़ देगा, तो वैसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब डेकोरेटिंग का कुछ करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमें लिक्विड ही चाहिए रहता है, नहीं तो वो डो की जैसा हो जाता है, एक फॉन्डन का जो आता है ना फॉन्डन टाइप में हो जाता है, चॉकलेट फॉन्डन हो जाता है। तो इसके लिए तो बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं था लेकिन तो भी, तो चलिए ऐसे मैं कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको केक भी दिखा देती हूँ कि कैसा केक बना है। और इसको ना ज़्यादा हीट पे नहीं रखना है, तो हल्का सा पानी गर्म हो जाएगा ना, और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने बटर भी डाला है। और यहाँ पे केक देखिए कितना अच्छा कुक हुआ है, इतना मतलब अच्छा स्पॉन्जी, और मैं तो खा के एडिटिंग कर रही हूँ, बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने तो मैं खा के एडिटिंग कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो एकदम मतलब ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि आपने घर पे बनाया है करके, मार्केट के जैसा ही लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, ऐसे ठंडा कर लेंगे अच्छे से, और चॉकलेट भी दिखा देती हूँ, मैं भूल गई थी, तो देखिए ऑयल रिलीज़ हो गया। तो इसको डो के जैसा करके मैं वैसे कोन में भर दूँगी, और यहाँ पे देखिए अल्फाबेट्स का जो मैंने लिया था ना मैं इसमें लगा दूँगी, और पूरा अच्छे से निकला था। इसे भर के आपको फ्रिज में रखना है और उसके बाद से इसमें से डीमोल्ड कर लेना है। तो चलिए ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये हो गया आप देख सकते हो, और साथ ही मैं आपको केक कट करके भी दिखाऊंगी कि मैं थ्रेड से कैसे, और देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, बहुत ही स्पॉन्जी केक बना था। और मैं इसको थ्रेड से कट करूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आइसिंग वगैरह मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरी चैनल पे है वीडियो, और यहाँ पे देखिए एक लेयर मैंने कट कर लिया, फिर याद आया कि कैमरा तो मैंने चालू ही नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए मैं ना मार्क लगा रही हूँ केक के ऊपर, और उसके बाद से थ्रेड से बहुत ईजिली निकल जाता है लेयर जैसी चाहिए वैसी, तो इसमें मैं 3 लेयर कर रही हूँ। तो मैं पूरा ही आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कट करना है। तो जैसे भी आप राउंड शेप में केक बनाते हो चाहे कुछ भी है, तो थोड़ा सा मार्क लगा देंगे ना पूरा राउंड में, उसके बाद थ्रेड ऐसा डाल के और फिर कट कर सकते हैं आराम से, किसी भी नाइफ़ की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशनल नाइफ़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास होने के बावजूद भी मैं उसे कट नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे ही कट कर लेती हूँ। तो चलिए ये कट करके फिर फ़ोटो वगैरह लगाना है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कट करके हो गया और मैंने आइसिंग भी कर लिया, और देखिए चॉकलेट चिप्स वगैरह जो मैंने मतलब शेप बनाया था मैंने लगा दिया है, साथ में मैंने क्रीम वगैरह से डेकोरेट कर दिया। यहाँ पे फोटो प्रिंट है ना थोड़ा बड़ा आ गया था तो इसके लिए मैं कट कर रही हूँ, मुझे काफ़ी मतलब इसको ज़्यादा ही कट करना पड़ा, मुझे एक्चुअली 1/2 kg का लेना चाहिए था तो इस पर परफेक्ट बैठता। अगर आपका केक 1 kg का है ना तो आपको 1/2 kg के हिसाब से आपको बना के लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है और साइड साइड से किनारे में कट करके ले लूँगी, और उसके बाद से मैं डेकोरेट करके, और इस पे ना मैं न्यूट्रल जेल लगा रही हूँ। अगर आप जेल नहीं लगाओगे ना तो ये शुगर जैसे ही क्रीम के टच में आएगा ना तो वो फटने लगेगा और वो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो वो शाइनी लुक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं न्यूट्रल जेल लगा रही हूँ, और सब सामान आपको जो डेकोर केक बेक का सामान मिलता है सब आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है और आप देख सकते हो, और अभी मैं साइड साइड जो है ना एजेस उसको मैं स्टार नोजल से मैं रोज़ बना बना के मैं ढक दूँगी, और साथ में जो डस्ट आता है गोल्डन डस्ट मैं उससे इसे थोड़ा सा स्प्रे करके इस पर लगाऊंगी।
गा रहा है। फाइनली मैं रात से अभी फ़ोन उठा रही हूँ और अभी करना है वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो भी पोस्ट करनी है। और ये देखिए मैं ना ऐसे बाल खोली ना तो ये झटकने के लिए गई तो आँख में बाल चला गया, तो इसके लिए। और आज है मेरे बेटे का बर्थडे और एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है नीलम रावत, जिन्होंने कल के वीडियो पर कमेंट किया है कि उनके बेटे का भी बर्थडे है, जिनका नाम है पार्थ सिंह रावत। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, और आप लोग उनको विश करना चाहते हैं तो कल का जो कमेंट है, कल के वीडियो पर कमेंट आया है, तो आप उनको विश कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी, केक की रेसिपी, केक का डिज़ाइन, मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ लेकिन तो भी घर के लिए कर लेती हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ लेकिन तो भी मैं केक बना के दे सकती हूँ, और ये सब मैं कर लेती हूँ जिनको, जो मेरे से जुड़े हैं यहाँ पर मेरे फ्रेंड सर्कल में, तो वो लोग को टेस्ट अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, तो मुझे ऑर्डर करते हैं तो मैं दे देती हूँ। वैसे बाहर के लोगों को मैं अभी तक नहीं दी हूँ क्योंकि इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो भी मैं कर लेती हूँ, मैंने कभी सीखा भी नहीं है बेकिंग। तो कैसा लगा केक, और उसकी रेसिपी जो प्रॉपर है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक केक की रेसिपी डाल दूँगी तो आप लोग चेक कर लेना। और अब मैं अगर कभी वीडियो पोस्ट करने के बाद अगर रेसिपी नहीं रहती है तो उसके आधे पौने घंटे बाद मैं रेसिपी डाल देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना हम लोग भी भूल जाते हैं। तो चलिए करती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि अभी दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करना है, क्योंकि आज है बेटे का बर्थडे और आज मेरे मम्मी का भी आज का दिन है जो एक्सपायर हो गए थे, मैंने कम्युनिटी पे लगाया है विश। अच्छा ही तो अब दोनों का ही मेरे को अभी करना है, इनका भी और उनका भी देखना है। तो अभी इतने साल से तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी वही सोचे कि बच्चे की क्या गलती है।
तो कर रहे हैं बच्चों का, अभी बच्चों का अभी कुछ पिज़्ज़ा पार्टी होने वाला है तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में जाएगा, और उनके फ्रेंड्स ने उनको ब्लेसिंग्स दी है, आप वो भी देखा होगा आपने, मैं तो ये बाद में डाल रही हूँ। और ये सब सोसाइटी के ही बच्चे हैं। रात के कितने बज गए थे हम लोग को, 1:30 बज गए थे। केक तो 12 बजे ही कट किया हमने, लेकिन फिर उसके बाद से हम लोग को 1:30 से 2:30 बज गए बच्चे लोग को जाते जाते, क्योंकि बच्चे ऊपर नीचे ही रहते थे इसलिए चलता है, सोसाइटी के अंदर रहता है तो चल जाता है। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक है, और उनको भी विश कर देना। तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।